खंडवा मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात 10:30 बजे उपद्रव हो गया। कॉलेज स्टूडेंट ने कैंपस में 5 युवकों की कार फोड़ दी, उन्हें बुरी तरह पीटा। डीन का आरोप है कि सभी युवक नशे में थे। कार से आए 5 रईस जादे सिक्योरिटी तोड़कर कैंपस में घुस गए। गर्ल्स हॉस्टल के सामने कार घुमाई और वहां टहल रही छात्राओं से छेड़छाड़ की। सिक्योरिटी गार्ड जब उन्हें रोकने लगे तो युवकों ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आरोपियों को घेर लिया और उनकी कार फोड़ डाली। पुलिस ने कार सवार सभी 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा के लिए SAF बल तैनात है। आरोपियों के परिजन और कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कॉलेज स्टूडेंट नशे में रहते हैं, छात्र छात्राएं नशे में ही टहलते रहते हैं, कॉलोनी के पार्क में गलत हालत में बैठते हैं। कॉलेज की लड़कियां नशा करने में जरा सी भी शर्म नहीं करती। हम विरोध करते हैं इसलिए ऐसा किया गया। कॉलोनी में पत्थरबाजी की, कार को मेडिकल कॉलेज में कैंपस में ढकेल ले गए, युवकों को बंधक बनाकर पीटा गया। TI ईश्वर सिंह चौहान जब कॉलेज कैंपस में जांच करने पहुंचे तो कॉलेज डीन अनंत पनवार और प्रोफेसर्स में से बहस हो गई। जब TI ने पूछा कि कार में तोड़फोड़ किसने की तो प्रोफेसर भड़क गए। उन्होंने कहा कि बाहर के गुंडे कैंपस में घुस जाएं, हमारी लड़कियों को गाली बके बलात्कार करवा लें और हम कुछ ना करें, तब तक रुकें, आप क्यों नशेड़ियों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। TI ने CCTV फुटेज की जाँच कराने की बात कही है। किशोर नगर कॉलोनी के लोगों ने कहा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ गुंडा गर्दी पर उतर गया है, रात का कृत्य शर्मसार कर देने वाला है। उन पर बात आई तो कहने लगे कि छात्राओं से छेड़छाड़ हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉलेज कैंपस में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इनकी जांच होना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट पर बंधक बनाकर मारपीट करने और पथराव किए जाने के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कार सवार युवकों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे दोस्त से मिलने गए थे, नशे में होने से गफलत में मेडिकल कॉलेज कैंपस में चले गए थे। हम लौट कर बाहर आ गए तो कॉलेज के छात्रों ने घेर लिया और कार धक्का कर दोबारा कॉलेज कैंपस में ले गए और हमें पीटा। आरोपियों के दोस्त ने बताया उनका एक दोस्त से मिलने गया था, वहां मेडिकल स्टूडेंट से बहस हुई थी। 500 से 700 स्टूडेंट जमा हो गए, कार को ढकेल कर कैंपस में ले गए। कॉलोनी से एक लॉक बाइक भी उठा ले गए, दोनों गाड़ियां फोड़ दी। दोस्तों को कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के रूम में बंधक बनाकर बहुत बुरी तरह पीटा। कॉलोनी के लोग जब इकट्ठा हो गए तो पथराव कर दिया। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया, किशोर नगर के लोग तब हैं। हमारी कॉलोनी में पार्क है, बच्चे महिलाएं टहलते हैं और ये स्टूडेंट पार्क में बैठकर गलत हरकत करते हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।